चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पनी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोलो, देखो मेहमान से इसी तरह बर्ताव किया जाता है, मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंतः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है? ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल सैन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध से भरकर अपने सेवकों को खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के पीछे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। सीख, हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपका धन्यवाद।